अच्छा दो महीना तो वापस किन तारीख आया तुम? मार्च 12 तारीख। अच्छा 12 मार्च ना आया जी हाँ। किसी जगह काम कर रहा है तुम? हम बुद्ध रजौरी। अच्छा बुद्ध रजौरी में काम कर रहा था। अच्छा तो इस चीज को तुमने पता हो कि जिसने तो वापस आया तो डॉक्टर ने बुलाया क्या हमारे को आयो? बिल्कुल बुलाया, दरमाड़ी किया, दरमाड़ी डॉक्टर ने चेक किया, चेकअप करने के बाद मुझे डेरे आया, डेरे उन्होंने हदायत होगी कि तुम घर फैमिली में न रही। अच्छा उस वास्ते हम घर दे अलग रहने का वजह। बहुत अच्छो बहुत अच्छो, ये जिम्मेवारी क्योंकि जो ये बीमारी को मसलो है इसके में सिर्फ हमने रोकथाम करनी है जिस तरीका नाल अपनी फैमिली दी भलाई दा रहनो है जी जी हां। क्योंकि यह चीज ही एक ऐसी खतरनाक है छू लाग वाली जगह की, अगर हमने तेरे नाल चले गयो तू रस्ते भी चले जी जी। इसके नालों हमने तुमने जिस तरीका नाल तुमने हिदायत की तुमने अपनी फैमिली दी अलायदा रहनो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हम अलायदा रहना आपकी फैमिली नाल, क्योंकि कुछ भी आपने लीर कपड़ो कुछ भी है अपना कमरा में दूसरो आदमी नहीं आन देना चाहिए उस चीज को। बिल्कुल इसके मतलब तुमने डॉक्टर ने कितना दिन किया कि कितना दिन बाद हमारे को आई वापस मुड़ के? 14 दिन के बाद आई। अच्छा 14 दिन बाद से जी हां। क्योंकि यो मारे जी ये बीमारी कोरोना को मसलो है यो हकीकत में पहली तारीख दे शुरू हो रही है जी 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 है ना जी। इसके मुताबिक हर जगह दे या इससे पहले मारे हम अपना डिस्ट्रिक्ट की गल करा के हमने सारा लोगों ने मिलजुल के अपना डिस्ट्रिक्ट की हिफाजत करनी चाहिए। जिस तरीका नाल मारी डीसी मैडम साहब है दिन रात इस चीज में जुटी हुई है जी जी, तो उसके मुताबिक हम लोगों ने भी उस चीज को तहफ़ करना चाहिए। बिल्कुल सरपंच थिल्लू को गल कर रहे हो तेरे नाल है ना, जिस तरीका नाल मारी मैडम को डिस्ट्रिक्ट को हमारी डिस्ट्रिक्ट की इज्जत रहेगी हमारी सारा की इज्जत है। बिल्कुल इसके मुताबिक वो देर रात जी इसे मैडम साहब अगर इन चीजों के पे जुटे हो आम लोग सबने ने उस चीज पर एहतियात करना चाहिए। और बिलेशक आया था क्योंकि मजदूरी तो मारो काम है करनो जी जी, मगर इस वजह दी क्योंकि फिर लोगों के नाल ज्यादा शुरुआत तो शुरू हो गई, तो उस वजह दी हमने तमने एहतियात बड़ा जरूरी रखना लो। बिल्कुल बिल्कुल 14 दिन वास्ते बिल्कुल एहतियात हम बाद से बाद डॉक्टर को जगह दबा, उसके बाद मैं फिर तुम चेकअप करावांगा, हम डॉक्टर ने गल करांगा, मैडम साहब ने गल करांगा, अगर बाई की वजह हमारे ऐसो कोई हरकत है जी जी। उसका बस है हमारे को अवेलेबल है, टीम बनी हुई है, वे लोग हमारी हिफाजत करेगा, उनको बिल्कुल इलाज हो, ऐसी डरने वाली कोई गल नहीं, बिल्कुल इलाज हो, यानी ये कोई समझे कि हम चुप कर रहे हैं, उसके मुताबिक अपना टीम थारे को आवेगी, उस आदमी ने ले जाएगी, अल्लाह उस नौबत ही नहीं ले आवे, सब दे हम यह दुआ करा कि हमने अल्लाह की जात वो नौबत ही नहीं ले आवे। बिल्कुल इस चीज का नाल हमने मतलब इस चीज की जबरदस्त एहतियात करनी चाहिए, मतलब जदोजहद करनी चाहिए, सब दे हमने हकीकत में इकट्ठा नहीं चलना चाहिए, घर में भी इकट्ठा नहीं रहना चाहिए, तकरीबन हमने अपना फैसला तकरीबन मीटर या 2 मीटर का फासला में जरूरी रहना जरूरी है। तो ऐसी कोई गल नहीं, हमारे को टीम बनी हुई है, हकीकत में ये हम रोजाना मतलब तुम लोगों को पता करूंगा, जिस तरह हम थारा घर में आज आया थारो पतो लियो कि तुम के कर रहे हैं, के पोजीशन है, तुम ठीक है के है ना। बिल्कुल इसी तरीका नाल हमारी एक कमेटी बनी हुई है, व्हाट्सएप चले और कमेटी हर आदमी नो हम पतो देगा, किसी ने अगर इस किस्म की बात हुई हम फौरन उसको इलाज हो सारी चीज हो सकेगी, तो इस चीज की हर आदमी ने तुमने जी है मतलब अपना एहतियात जो है जरूरी है। तो रफीक शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, हम चले थारा दे, तमने भी इस चीज की बड़ी एहतियात करनी जरूरी है। कोई बात नहीं।